लेकिन 85% तो हम ही लोग होंगे कि जो इंडस्ट्रीज में अपना यहाँ ये अपने अपने इन्वॉल्वमेंट होगी, चाहे वो लेबर की शक्ल में हो, चाहे वो इंजीनियर्स की शक्ल में हो, चाहे वो इन्वेस्टर की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हम सब के सब लोग इन इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो हैवी इंडस्ट्री है। देखें, हमें ये उस चीज का होना चाहिए कि इफ वी आर नॉट कम्पेटिटिव, अगर हम कम्पेटिटिव हैं तो हमें कोई चीज वरी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, चाइना हो या पाकिस्तान हो, दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर देयर नेशंस कि भाई यहां पर जाकर हमें अपने सेटअप्स करने हैं। अगर हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है, आज तक हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे अदारों ने सीपैक से तलक हमें मुकम्मल तौर पर आगाही नहीं दी है कि हाउ गुड इट इज फॉर अ पब्लिक, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, इतना एक बिजनेसमैन इससे कैसे फायदा उठा सकता है, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर इससे कैसे फायदा उठा सकती हैं, क्या उनके लिए एक सॉफ्ट लोनिंग भी मौजूद है कि नहीं। आज तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसिस या जितने भी हमने सेमिनार्स अटेंड किए हैं उसमें गवर्नमेंट का फोकस क्या है, गवर्नमेंट चाहती है बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज को इन्वाइट करें, यहां पर लाए और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाए। लेकिन डेफिनेटली आई टेल यू कि जॉब इम्प्लॉयमेंट्स यहां पर मौजूद हैं, स्कोप मौजूद है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूं, पाकिस्तान की अगर $116 मिलियन की इम्पोर्ट्स जो सिर्फ लेदर के या लेदर इंडस्ट्री से कर देते हैं, जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो चाइना से पाकिस्तान में आते हुए कराची तक पहुंचते हुए उन्हें 30 डेज लगते हैं, सियालकोट पहुंचने में उन्हें मजीद अप्रोक्स 10 दिन लगेंगे। दैट मीन कि एक टारगेट जो 40 डेज में मैच्योर होता है, लेकिन अगर ये सी पैक ऑन हो जाता है कि वर्किंग चैनलाइज हो जाती है तो हमें थर्ड डे ओनली थर्ड डे वी कैन फाइंड आर जो भी टारगेटेड कंटेनर्स हैं या हमारा कार्गो है, जो इम्पोर्ट्स हैं, ये हमें सियालकोट तक मिल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो सीएमएस हब है वो जो प्लानिंग है वो सारी चैनलाइज हो चुकी है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ ये फायदा ट्रांजिट टाइम का ही नहीं है बल्कि ये फायदा हमें कॉस्ट का भी है। अगर हम 30 डेज ट्रांजिट टाइम के साथ बात करते हैं तो 30 डेज ट्रांजिट टाइम में हमारी कॉस्ट मच हायर है, लेकिन अगर ये ट्रांसपोर्टेशन तीसरे दिन यहां पर है तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है। दैट मीन कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। लेकिन दिस इज नॉट ऑल एंड ऑफ, देखिये लेदर इंडस्ट्री हमारे पास जितने ये अनडिस्कवर्ड सेक्टर्स हैं, अफगानिस्तान है या एजुकेशन सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स में लेदर इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं, यहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, टेम्परेचर लोअर साइड पर होता है इन सारे एरियाज में। जब पाकिस्तान का बिजनेसमैन या पाकिस्तान का बिजनेसमैन इन सारे एरियाज में चैंपियन होगा तो उनको उनके कदर का रिस्क जरूर मिलेगा। सो वी शुडंट बी वरी, सीपैक का ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पर क्या है, इस वक्त तक हम सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं, इस वक्त तक हम सिर्फ और सिर्फ हमें मीडिया, हमें टेलीविजन, हमें अखबार या हमारे जो भी एंकर हजरात हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट से इसको दिखा रहे हैं। जरूरत जिस चीज की है, नंबर 1 गवर्नमेंट सेक्टर को इसमें प्रॉपरली इन्वॉल्व होकर पब्लिक को और जितने भी अदारे हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है उनको प्रॉपर अवेयरनेस देनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर मजबूत होना चाहिए और बैंकिंग सेक्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए सॉफ्ट लोन्स को, जो बिजनेसमैन उन सॉफ्ट लोन्स से फायदा उठाए और उनसे अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोकल इंडस्ट्री की तहफ्फुज के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो भी फॉरेनर यहां पर आकर अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करता है उसमें मैंडेटरी हो कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उनके साथ शेयरिंग हो और उनका जो पाकिस्तानी जो एम्प्लॉयमेंट में जो भी लोग हैं उसके परसेंटेज शेयर होनी चाहिए कि मैक्सिमम